अभिनय की महती साहब और मंच पर उपस्थित थे, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री मुकेश जी रामपुरा, श्री मदन जी मिशन, श्री पवन जी चौटिया, राष्ट्रीय सचिव श्रीमान भवलाल जी पुरोहित, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान धनसुख जी सारस्वत, महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सीमा जी मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान विष्णुलाल जी शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकोष्ठ युवा प्रदेश प्रकोष्ठ श्री सुनील जी मिश्र, प्रदेश संगठन महामंत्री श्रीमान दीपक जी हर्ष, प्रदेश सचिव श्रीमान श्याम जी जोशी, श्रीमान रमेश चंद्र जी इंदौरिया, प्रदेश ब्राह्मण समिति सदस्य श्रीमान प्रमोद जी मिश्रा, प्रदेश ब्राह्मण समिति सदस्य श्रीमान आशीष मिश्रा जी, प्रदेश ब्राह्मण समिति सदस्य, जिलाध्यक्ष जय श्री दादी जी सुधामगढ़ महिला प्रकोष्ठ, जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ श्रीमान दीपक जी पारिक, श्रीमान समूह दयाल जी शर्मा जिलाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन, विद्याधर जी पारिक, श्री वेद प्रकाश जी जिलाध्यक्ष और मंच पर उपस्थित थे सारे विप्र समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव और विप्र समाज से पधारे सभी पिता दुल्हे बुजुर्गों माताओं और आज और मैं एक नाम भूल गया, हमारे अरविंद जी भारद्वाज जो यहाँ हमारे प्रदेश का बहुत ही शानदार काम जिनके नेतृत्व में चल रहा है, यहाँ की शांति व्यवस्था यहाँ का भागवत प्रबंधन के निर्देशन में चल रहा है और हमारे समाज की जो प्रतिभाएं जिनको लेकर के हमने जो कार्यक्रम रखा है, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं इस विप्र फाउंडेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। विप्र फाउंडेशन ने बहुत सारे प्रकल्प अपने हाथ में ले रखे हैं, जिसमें हमारे सुशील जी भाई साहब के नेतृत्व में परशुराम कुंड की स्थापना, उसमें परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना 54 फीट लंबी मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे प्रकल्प जो शिक्षा के क्षेत्र में है, अभी जयपुर में भी हमारा हॉस्टल बन रहा है और विभिन्न स्थानों पर ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग सरदार से विप्र फाउंडेशन ने पिछले 2 वर्षों से यहाँ अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। हर वर्ष परशुराम जी की जयंती के ऊपर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। हमने पीछे 11,000 वृक्षारोपण लगाने का काम किया, उसके अलावा हमने 1100 परिंडे लगाने का काम किया और ये उसकी कड़ी में हम ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखने जा रहे हैं। विप्र बंधुओं, हम सब लोगों को इस समय में चेतना और जागृति लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा समाज हमेशा संस्कारवान और शिक्षित रहा है और हमेशा हमने लोगों को संस्कार देने का काम भी किया है, लेकिन अब अपने आप को संभालने की और संभालने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बिना शिक्षा के, बिना राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के, बिना प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़े हर समाज पिछड़ जाता है। तो अब हम सब लोगों को ये कार्यक्रम के माध्यम से ये सब लोगों को एकजुट होकर के मैसेज भी देना है कि विप्र समाज एक है, और दूसरा यहाँ जो प्रतिभाएं आई हैं उन प्रतिभाओं के लिए मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के प्रति हमेशा जागृत रहें और उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। प्रतिभाओं के लिए मैं एक बार उनके लिए सबके लिए धन्यवाद जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़े हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी यहाँ खेती का बहुत बड़ा सीजन चल रहा है, इस स्थिति में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग सब पधारे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।